हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा कि आप भिन्न वाला जोड़ घटाव कैसे करेंगे, वो भी आसानी से। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखिए, इसके बाद आप समझ जाइएगा कि भिन्न वाला जोड़ घटाव कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना है कि भिन्न क्या होता है। तो दोस्तों, भिन्न जो होता है ये अंश और हर के फॉर्म में होता है। देखिए, ये जो है 2/4 के फॉर्म में, यानी कि ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है, उस तरह से लिखा हुआ रहता है, तो इसको भिन्न कहते हैं, ठीक है, बट्टा के रूप में। तो दोस्तों, इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है 2/4 + 3/8, इसमें दो भिन्न है, एक भिन्न ये हो गया और दूसरा भिन्न ये हो गया। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले दोस्तों क्या करना होगा, ये जो हर है नीचे वाला संख्या 4 और 8, तो इस दोनों को एलसीएम सबसे पहले निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों, 4 और 8 का एलसीएम होगा 8। चलिए आपको निकाल कर दिखाते हैं। लिख लेंगे 4 8, इसमें भाग देंगे कोई संख्या से, छोटी संख्या से 4 से भाग देंगे, 4 × 4, 4 × 2 = 8। अब सबको गुना कर देंगे, 4 × 1 × 2 क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 8। तो इसका एलसीएम जो है दोस्तों 8 हो जाएगा, ठीक है। ये जो दोस्तों एलसीएम आया है 8, उसमें क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला संख्या हर है उससे भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो संख्या आएगा उसको अंश से गुना कर देंगे और लिख देंगे। देखिए, इस 4 से भाग देंगे 8 में, तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में, 4 × 2 = 8, 2, और उस 2 को गुना कर देंगे ये अंश से 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो 4 लिख देंगे। इसके बाद देखिए, ये बीच में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस दे देंगे। अब इस हर से भाग देंगे इस एलसीएम में, तो फिर इस 8 में, इस 8 से भाग देंगे, तो कितना बार में लगेगा, 1 बार में, और उस 1 को गुना कर देंगे उस अंश से, ठीक है। तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब देखिए, अब जोड़ दीजिए, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7, और बट्टा में क्या है, 8, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से आप भिन्न वाला जोड़ घटाव करेंगे। चलिए एक और करके दिखाते हैं। अगला है दोस्तों 2/3 + 5/9, तो उसमें भी क्या करना होगा, ये हर को 3 और 9 को एलसीएम ले लेना है। 3 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उस एलसीएम में इस हर से भाग देंगे बारी बारी से, तो इस 3 से भाग देंगे 9 में, तो कितना बार में लगेगा, 3 बार में, 3 × 3 = 9, और इस 3 से जितना बार में भाग लगा उसको अंश से गुना कर देंगे ऊपर वाला से, यानी कि नीचे वाला से भाग देना है और जितना बार में भाग लगेगा उसको ऊपर वाला से गुना कर देना है। 3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, तो 3 × 2 = 6। इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो बीच में जोर का चिन्ह है, तो जोर का चिन्ह दे देंगे, और फिर इस नीचे वाले से इसमें भाग देंगे, तो 9 से 9 में भाग देंगे, तो कितना बार में लगेगा, 1 बार में, उस 1 को गुना करेंगे इस ऊपर वाला 5 से अंश से, तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। अब क्या हो गया दोस्तों, 6 + 5 = 11, और बट्टा में क्या है, 9, यही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों इसको भी हल करेंगे। देखिए, इसमें 3 भिन्न दिया हुआ है, 4/3 + 3/6 + 2/12, तो उसमें क्या करना है, कि नीचे वाला हर जो है 3, 6, 12, उसको एलसीएम ले लेंगे, तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, 6, 12 का एलसीएम हो जाएगा 12, यही ना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस हर से इस एलसीएम में भाग देंगे, जो एलसीएम आया है उसमें भाग देंगे, 3 से भाग 12 में देंगे, तो कितना बार में लगेगा, 4 बार में, यही ना, और उस 4 को जितना बार में भाग लगा है उसको अंश से गुना कर देंगे, तो 4 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। अब 6 से फिर इस 12 में भाग देंगे, तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में, 6 × 12, अब इस 2 को गुना कर देंगे अंश से, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 6, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। अब इससे भाग देंगे इस 12 से इसमें, तो 12 से 12 में भाग देंगे, तो कितना बार में लगा, 1 बार में, उस 1 को गुना करेंगे इस अंश से, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, और सबको जोड़ दीजिए, 16 + 6 कितना हो जाएगा, 22 + 2 = 24, ऊपर में 24 हो गया, 2/12। अब इसको काट दीजिए, 12 से कट रहा है, 12 × 2 = 24, बराबर कितना हो जाएगा, 2, यही ना। तो दोस्तों इसका आंसर यही हो गया। उसी प्रकार से दोस्तों घटाव भी करेंगे, बस उसी प्रकार से आपको करना है, बस चिन्ह आपको बदल देना है, जहाँ प्लस था वहाँ पे देखिए माइनस है, वहाँ पे माइनस दे देंगे। कैसे करेंगे, देखिए 5 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेना, देखिए 5 और 20,
पाँच से भाग देंगे, पाँच एकन पाँच, पंचों का बीस, अब गुना कर दीजिए, पाँच एकन पंचों का बीस यानी बीस हो गया एलसीएम। तो एलसीएम ले लेंगे बीस। अब इस वाले हर से पहले भाग देंगे बीस में, तो कितना बार में लगेगा, पंचों का बीस, चार बार में। और उस चार को अंश से गुना कर देंगे ऊपर वाला से, जितना बार में भाग लगा है उसको ऊपर वाला से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, चार चौका सोलह। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। अब इस बीस से इसमें फिर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक मरतबे लगेगा, ठीक है ना, उस एक को गुना कर देंगे अंश से, तो एक को पाँच से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पंचे पाँच। अब सोलह में से पाँच घटा दीजिए, बीच में माइनस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, बच गया ग्यारह, नीचे में कितना है, ग्यारह बट्टा बीस, यही हो गया आंसर। उसी प्रकार से दोस्तों आप भिन्न वाला जोड़ घटाव करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।